सतना राजकीय रेल पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों का मोबाइल चोरी करने वाले दो बदमाशों को स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर दो वारदातों का खुलासा किया है। जीआरपी प्रभारी गोविंद त्रिपाठी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर ऑटो स्टैंड के पास कम कीमत पर मोबाइल फोन बेचने की चर्चा कर रहे आदतन बदमाश 26 वर्षीय कमल गोटिया निवासी टीकरखेरा जिला कटनी और 26 वर्षीय अशरफ अली निवासी जवाहर नगर थाना सीट कोतवाली को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर 28,000 के दो मोबाइल जब्त किए गए। पूछताछ में बदमाशों ने अलग अलग ट्रेनों से फोन चोरी करने का खुलासा किया। चोरी के फोन बरामद करने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। तभी एक मोबाइल पर अतुल कुमार कुशवाहा निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश का फोन आ गया, जिन्होंने चित्रकूट एक्सप्रेस से कानपुर की यात्रा के दौरान सतना के पास फोन चोरी होने की बात कही। तो वहीं दूसरा मोबाइल मदनलाल वर्मा निवासी पेंड्रा रोड बिलासपुर का निकला, जो कि पैसेंजर से सफर करते समय सतना के पास चोरी हो गया था। आरपीएफ एवं जीआरपी स्टेशन में संयुक्त टीम द्वारा कर चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो साथी चोर ऑटो स्टैंड में मोबाइल बेचने की बात कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर से ड्यूटी रत टीम ने बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर कमल गोटिया निवासी ढीमरखेड़ा कटनी तथा दूसरे ने असगर अली निवासी जवाहर नगर सतना का बताया, जिन दोनों के पास से एक एक मोबाइल जब्त किए गए, जिनके बारे में पूछताछ करने पर ट्रेनों से चोरी करना बताए। दोनों के पास से मोबाइल चोरी की शंका में जब्त किए गए। यात्री फरियादी ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस एवं इटारसी पैसेंजर जाने आने वालों के बदमाशों ने चोरी किया था। एक फरियादी द्वारा जीआरपी सतना आकर रिपोर्ट की है एवं एक फरियादी द्वारा जीआरपी जबलपुर में अपने मोबाइल चोरी जाने की रिपोर्ट की है। आरोपी कमल गोटिया एवं असगर गली सातिर किस्म के बदमाश हैं, जो कि कमल गोटिया थाना जबलपुर सागर गाड़रवारा कटनी सतना आदि थानों में कई बार चोरी के अपराधों में गिरफ्तार हुआ है, जिन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल कराया गया।